ज्योतिष के अनुसार नौ तपा में गर्मियों गर्मी की स्थिति मानी जाती है, और बोला जाता है कि नौ तपा में अगर गर्मी अच्छी रहती है तो बारिश से अच्छी प्रकार से होती है, लेकिन जो मौसम विज्ञान एक अलग प्रकार से उनका कैलकुलेशन रहता है। लेकिन अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं उसके कारण अभी बहुत ज़्यादा कुछ गर्मी की भविष्यवाणी नहीं है। जैसे उत्तर की ओर आ रहा है तो उसकी किरणों की तीव्रता बढ़ती जा रही है, दिन की लंबाई भी बढ़ रही है, जिसके कारण तापमान बढ़ रहे हैं। आज तापमान न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री हो गया है। लेकिन और भी दूसरे कारण हैं जो प्रभावित करते हैं, जो हमने अप्रैल में देखा कि लगातार पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश की स्थिति बनी और तापमान जो बढ़े हुए थे वे एकदम कम हो गए। पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय है, जिसके कारण उत्तरी हिस्सों में बारिश की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन कुछ उसका प्रभाव जो बादलों के कारण है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी के कारण भी आ सकता है। तो अभी तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने की भविष्यवाणी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की बादल, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, कुछ इसी प्रकार की स्थितियों की भविष्यवाणी राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ में ही ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। मेष राशि में सूर्य आते हुए ही विशेष रूप से गर्मी का प्रकोप बढ़ता है। ऐसे ही रोहिणी नक्षत्र में 25 मई को सूर्य का आगमन हो रहा है। शास्त्रोक्त तो रोहिणी नक्षत्र में रोहिणी तपा नौ तपा के रूप में देखी गई है, लेकिन ग्रहों की स्थितियां जो बन रही है इस बार, उस अनुसार अगर देखें तो इस बार जो नौ तपा में ही कई जगह वर्षा भी होगी मध्य में। साथ में अगर देखा जाए तो वर्षा योग अगर इस बार देखें तो आर्द्रा नक्षत्र में वर्षा विशेष रूप से होती है। जो संधिकालीन जो स्थितियां ग्रहों की बन रही है उस इस बार जो औसत वर्षा के योग देखे जाएंगे पूरे देश में, कहीं जगह वर्षा अधिक तो कहीं जगह कम वर्षा औसत के रूप में देखी जाएगी। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए अमर उजाला ऐप को डाउनलोड करें।